हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका कॉमन कोर्स 5 का पढ़ा रही हूँ। तो हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था जो कि लॉजिक था। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो जाके सर्च करके देख सकते हैं, यूनिट 1 लॉजिक बैरोमियर्स करके। तो ये जो है ये दूसरा यूनिट है हम लोगों का, यूनिट 2, दैट इज सेल्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे एकदम इत्मीनान से, आराम से देखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम आराम से देखेंगे, है ना। तो सेल्स एंड नंबर सिस्टम जो है ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए व्हाट इज सेट, सेट यहाँ पे सेल्स एंड नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न होता है वो सेट के डेफिनेशन को लेके होता है। डेफिनेशन तो बहुत से, लेकिन समझ में सबको आता नहीं उतना, कहीं ना कहीं कुछ डाउट बना रहता है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, एकदम आराम से समझिए, एकदम एकदम इत्मीनान से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, एक समूह। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों का या फिर नंबर का या फिर किसी भी चीज़ का एक समूह, कलेक्शन। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड क्या है, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, देखिए जो जैसे कि देखिए, इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो ये सेट है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, क्यू हो सकता है ना, या फिर डी या फिर एस, ये सारे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जैसे कि सेट ए है, अगर मान लें अगर सेट ए है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, जैसे कि यहाँ पे है कि कोई भी सेट जो होता है उसका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, तो ए जो है कलेक्शन होगा कुछ। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा का कलेक्शन है ना, जितने भी ए बी सी डी सब कलेक्शन है, तो ये सब जो है सब अंदर में स्मॉल लेटर में होगा, सब अंदर में स्मॉल लेटर में होगा। क्योंकि अगर अगर यहाँ भी कैपिटल लेटर हुआ, यहाँ भी कैपिटल लेटर हुआ, तो कन्फ्यूज जाएंगे कि कौन सा सेट है, कौन सा एलिमेंट है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, वो क्या है, ए इज़ इक्वल टू योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट एक्टर। ए जो है एक सेट है और कलेक्शन है आपके फेवरेट एक्टर का। ठीक है, तो अगर मैं पूछती हूँ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो हर बच्चे का अलग अलग जवाब आएगा। किसी के लिए शाहरुख खान, किसी के लिए सलमान खान, किसी के लिए कैटरीना, किसी के लिए करीना, मतलब हर स्टूडेंट का सेम जवाब नहीं आएगा। हो सके एक दो सेम हो जाए, लेकिन मुमकिन है कि हर किसी का जो जवाब है वो अलग अलग आएगा, है ना। किसी का मेल में है, किसी का फीमेल में है। तो ये जो है ये आपका सेट नहीं हुआ, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब कि हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, वो हर आदमी के लिए वो सेट जो है वो सेम होना चाहिए, उसका जवाब जो है सेम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, ये जो है ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आपका सेट नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग जवाब आ रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। वही आप देखिए, अब जो है दूसरा जो एग्जांपल है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है, बी इज इक्वल टू ए सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मतलब समझ रहे होंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती 1 से लेकर कहीं तक भी आप गिन सकते हैं, इन्फिनिटी तक पूरा गिन सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि बी एक सेट है जिसके अंदर जो है, बी एक सेट है जिसके अंदर जो है आपका जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से होते जाएंगे, है ना। तो ये हर किसी के लिए सेम हो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, मतलब एक सेट ऑफ बताइए नेचुरल नंबर, तो आप भी बताओगे 1, 2, 3। मैं किसी और से पूछूं तो भी बताएंगे 1, 2, 3। और ये हर जगह सेम होगा, ये अर्थ पे, मार्स पे, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह ये सेम होगा। अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर से पूछूं व्हाट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उनका भी जवाब यही होगा। मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ, किसी बड़े से पूछ लूँ, सबका जवाब जो है यही होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब हर किसी का जो जवाब है वो सेम आ रहा है। तो इस तरह से जो है बी जो है आपका जो है ऑप्शन एग्जांपल नंबर जो 2 है, दैट इज़ बी, ये आपका जो है ये एक सेट है। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आई होप कि आपको सेट जो है समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखेंगे व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला जो है
रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है मुझसे ज़रूर से पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। रोस्टर फॉर्म, तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में भी इसका लिख दी हूँ नीचे में, आप हिंदी में भी आज इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको समझना ज़रूरी है, थ्योरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो एक एक लाइन का हिंदी लिखा है ना, वही आप अपने नोट में डाल सकते हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक है ना, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन है आप उसको समझ के बना दें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड, एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड बाई कॉमास एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, ये जो मजलर जो ब्रैकेट होता है ना, इसे हम लोग ब्रेसेस बोल रहे हैं मैथ में, ठीक है, मैथ में इसे क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। तो एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड मतलब अलग किए जाते हैं कॉमा के साथ और बंद किए जाते हैं इस ब्रेसेस के अंदर, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल ए है, ठीक, क्या है, 1 2 3 एक सेट है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट है एक सेट है ए, इसके अंदर जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, 1 2 3 AB, 1 2 3 AB, 1 2 3 AB, ठीक है। तो अब देखिए इसका ये जो है 1 2 3 AB, तो इसके अंदर जो ये जो एक एलिमेंट है, बस आप समझ लीजिए कि जो सारे जो एलिमेंट है ना, ये कॉमा के सहारे अलग किया गया है और एक ब्रैकेट के अंदर, मंझला ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर बंद किया गया है, ठीक है, बस सिंपल यही है। रोस्टर फॉर्म में आपको बस यही समझना है। देखिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ देखिए, एलिमेंट को कॉमा के साथ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, एलिमेंट को कॉमा के साथ लिखते हैं, आपको बस इतना ही समझना है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को जो भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कॉमा के साथ लिखते हैं, कॉमा के साथ लिखते हैं, कॉमा के साथ लिखते हैं, बस सिंपल यही बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने कुछ एक और जो है सिम्बोल रखा है, दैट इज़ ये हल्का ई जो है, हल्का ई के जैसा लेकिन हल्का गोल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू मतलब कि उससे संबंध रखता है या फिर उसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ए जो एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए, ए जो है एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि जो ये ए जो एलिमेंट है ना, ये सेट ए से है, या फिर ए जो ये है ए, ये एलिमेंट ऑफ है सेट का, सेट ए का एलिमेंट है, तो ये तो सही है, हाँ ये सही है, ये तो ठीक है, ए जो है वो एलिमेंट है ए का, ए जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, है ना। और यहाँ पे देखिए वन जो है, वन भी बोल रहा है कि बिलोंग्स टू ए, मतलब कि वन जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए है, देखिए हाँ यहाँ भी वन है सेट ए का, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ई लिख के हम लोग इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि नॉट बिलोंग्स टू, या मतलब कि एलिमेंट उसका नहीं है, उससे नहीं बिलोंग करता है, फिर उसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फोर नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि फोर इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए कहीं पे फोर है, नहीं है फोर, इसका मतलब फोर इज़ नॉट बिलोंग टू ए सेट ए, या फिर फोर इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, वही दिया हुआ यहाँ पे। अगर इसके ऊपर हम लोग ऐसे अगर लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा नॉट बिलोंग टू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी राउट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना, मैं समझाती हूँ कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ना एक प्रॉपर्टी लिखते हैं या फिर रूल लिखते हैं, जो सेट ए में है उसका स्टेटमेंट बना के एक रूल लिखते हैं कि ये कह रहा है ये सेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, फिर आप बस हिंदी देख लीजिए, ठीक है, हिंदी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें हम लोग जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कॉमा के साथ लिखते थे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू एक सेट है एक्स, ये जो बिंदु है ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट, एक्स इज सच दैट, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा आपको, फिर मैं समझा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। एक्स इज सच दैट, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि एक्स एक एलिमेंट है और वो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 10, मतलब कि 10 से नीचे तक आपको जो है नेचुरल नंबर लिखना है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि ए जो है एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर जो है क्या है, एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट क्या कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स इज सच दैट, एक्स का मतलब है कि एक्स जो है ये है, एक्स जो है ये है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब कि एक्स जो है वो प्राकृत संख्या है 10 से कम तक, तो हम लिख देंगे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तक ना हुआ, लेस देन 10 का मतलब यही तक हुआ। तो ये हमने है ना रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और इसी को इन्होंने जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इतना तक तो हमारा सेट था और सेट का रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ नंबर्स जो है जो इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी समझने के लिए, उसको हमें देखेंगे। देखिए क्या है, पहला तो है आई और जेड। आई और जेड का मतलब आई ये बोल सकते हैं या फिर जेड बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब हुआ क्या कि माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर हैं वो सब आना चाहिए आई और जेड में। मतलब कि आप कहीं से माइनस वाला नंबर ले लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर है सब आएंगे इंटीजर में, जो कि आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा देखिए क्यू। क्यू क्या है, इस सेट ऑफ रैशनल्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि जो फ्रैक्शन में लिखते हैं जैसे कि पी बाई क्यू। पी बाई क्यू जो है ये बिलोंग करते हैं आई से, मतलब कि पी जो है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बिलोंग करते हैं आई से, मतलब कि आई हम लोगों ने ऊपर वाला देखा ना यहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं पी और क्यू। लेकिन लेकिन जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो भी है ना, लेकिन वही बता रहा है क्यू जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई नंबर लिख लिए, मान लेते हैं 3 लिख लिए, 22 लिख दिए, तो फिर ये इंटीजर नहीं ना बनेगा, ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसलिए जो है क्यू को हम लोग जीरो नहीं लेते हैं। उसके बाद जो है आर है, आर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, बस इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी तो ये भी है और प्लस इन्फिनिटी ये है, लेकिन यहाँ पर जीरो भी है, तो वही जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बस रियल नंबर बोला है। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब कि कहीं, इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी ले सकते हैं कहीं तक, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी मतलब वन से लेके आप कहीं तक ले सकते हैं, बस इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आई नॉट और जेड नॉट, ठीक है, आई नॉट और जेड नॉट। तो हमने देखा था कि आई और जेड जो था वो था माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर होंगे, सो वही बोल रहा आई नॉट और जेड नॉट क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। मतलब कि यहाँ भी वही चीज़ है कि जो रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वही आई नॉट और जेड नॉट है, बस इसमें जीरो जो यहाँ पे बीच में था वहाँ पे जीरो था ना, बस इसमें जीरो नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, या फिर आप देखिए -10 से ले सकते हैं, -10, -9, -8, -7, फिर 1, 2, 3 कहीं भी, लेकिन आप बस जीरो नहीं ले सकते। इसके बाद देखिए आई प्लस और जेड प्लस। आई प्लस और जेड प्लस इसका मतलब इंटीजर में हमने देखा था ना कि माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे, लेकिन अगर आई के ऊपर अगर प्लस आ जाए या फिर जेड के ऊपर अगर प्लस आ गया तो आपके पास वही नंबर है ना जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाले नंबर हम लोग उसमें नहीं लेंगे और जीरो वाले नंबर उसमें नहीं लेंगे, जीरो नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, बस सिंपल यही चीज़ है। और आई नॉट, आई माइनस और जेड माइनस, यहाँ पर क्या होगा, देखिए इंटीजर में हमने देखा था कि माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे इंटीजर, लेकिन अगर आई माइनस हो गया इसका मतलब कि आपको सारे नेगेटिव वाले नंबर लेने हैं, जीरो नहीं लेना है, नेगेटिव वाले नंबर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है दूसरा टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स हल्का आसान है, एकदम आसान है, आप बस समझते जाइए मैं जो बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, इसको जो है यू से, यूनियन है ना, आप बस इसको याद रखिए कि यू से यूनियन होता है, तो यूनियन का जो सिंबल होगा ऐसे होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पे सबको मिलाकर लिख दो, वही हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग और बेहतर समझेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे था कि द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि सारे एलिमेंट को कंसिस्ट कर ले, सारे एलिमेंट को ले ले, जो भी ए में हो जो भी बी में हो वो सारे एलिमेंट को ले ले, मिला के लिख दे, तो वही हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट ए है एक और एक सेट बी है, ठीक है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है ना, एक है 1, 2, 3, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है 2, 4, 6। तो हमें लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसी तरह लिखते हैं यूनियन, इस चिन्ह इसी तरह होता है, ए यूनियन बी। तो क्या करना है हमें, सबको मिला के लिख देना, तो सबको मिला के लिख दीजिए, 1, 2, 3 यहाँ पे 1, 2, 3 लिख दिया, यहाँ 2, 4, 6, 2, 4, 6 मिला के लिख दिया। लेकिन एक डाउट आएगा कि यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो हमने 2 बार 2 क्यों नहीं लिखा। तो एक रूल होता है कि हमें जो है ना
जब भी हम जो सेट ये रोस्टर फॉर्म लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, तो वहाँ पे जो है ना हम लोग नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरह आ जाएगा, फिर बस यहाँ पे टू को रिप्रेजेंट नहीं करना दो बार, बस एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी 1 2 3 और 2 4 6, बस यहाँ पे टू था एक बार, तो हमने टू को नहीं लिखा, एक ही बार हमने टू को लिखा है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये एक ऐसा सेट है जिसमें जो दोनों में कॉमन हो, ए में भी हो वो सेट और जो बी में भी हो, बस उसी को लिख दीजिएगा, वही आपका इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का चिन्ह ऐसा होता है उल्टा यू, ठीक है, इसको समझिए हल्का। और देखिए एक सेट ए है, वही हम लोगों ने ऊपर वाला एग्जांपल लिया है 1 2 3, और एक सेट बी है 2 4 6, ठीक है। अब जो जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, बस उसी को लिख दीजिए। तो ए हम लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 2 4 6, कॉमन तो बस टू ही आ रहा, तो बस आपका टू हो गया इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी टू हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए दूसरा है, तीसरा जो लास्ट जो ऑपरेशन हम लोग का है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ए के ऊपर डॉट दे के, एक तो ए के ऊपर सी लिख के, और एक तो ए के ऊपर हल्का लाइन, जैसे ए बार बोलते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का इस तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सके ए नहीं हो, बी हो तो बी नॉट, बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या फिर बी बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मैंने ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखा है, थोड़ा सा उलझ जाइएगा आप। तो इसको मैंने बस हिंदी में लिख दिया है, जो है उसको छोड़ दो, जो है उसको छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, यूनिवर्सल सेट मतलब कि जिसमें सारे सेट हो, ठीक है, जिसमें जिसमें हर एलिमेंट हो जिसमें, तो उसी को हमने ले लिया यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। आप बस समझ लीजिए यू मतलब कि सब जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए, बस उसी को बोलते हैं यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, यू देने के बाद एक तो ए दिया हुआ है, एक तो सेट ए दिया हुआ है, इसमें से 1 2 5 है, 1 2 5 ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ कि एक यूनिवर्सल सेट है और एक आपका ए सेट है जिसमें 1 2 5 एलिमेंट है। आपको बताना है ए नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं ए सी, या फिर ए बार, ये आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, जो है उसको छोड़ दो, मतलब कि 1 2 5 को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 5 को छोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अगर 1 को छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है, बस 3 और 4 बचता है। तो वही हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 3 और 4, बस सिंपल वही है कि आपको ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं है आपको, ये आपको दिया रहेगा, आपको बताना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है। तो जो है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है उसी को लिख देना है आपको, ठीक है। तो इतना था आपका ऑपरेशन ऑफ सेट्स हो गया। इसके बाद जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कनेक्ट रहिए क्योंकि सारे सिलेबस जो है इसका मैं पढ़ाने वाली हूँ, वो भी एकदम अच्छे तरीके से, एकदम टू द पॉइंट में पढ़ाऊँगी, अजूल फजूल नहीं पढ़ाऊँगी, एकदम आराम से और एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।